हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ शाइनी और आज मैं आप लोगों के साथ ईद मेकअप लुक शेयर करने वाली हूँ। सो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर इट। सो आज ईद है, सो इस वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैंने जो अपना बेस है वो ऑलरेडी मैंने किया है, तो मैंने जो ईद व्लॉग है उस पर मैंने उसे दिखाया है, तो ईद व्लॉग कल ही आएगा। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द ईद व्लॉग। मैंने फुल डे ईद व्लॉग शूट किया है। तो सबसे पहले मैं अपने होल फेस पर, जहाँ मुझे पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है लाइक डार्क सर्कल्स एंड अपने माउथ के एरियाज चारों ओर, वहाँ पर मैं इस कंसीलर को अप्लाई करूँगी। यह है NYBA का कंसीलर। फिर एक छोटे से स्पंज से, ये डैम स्पंज है, उससे मैं इसे ब्लेंड कर दूँगी। मुझे थोड़ा सा गले में प्रॉब्लम है, एज़ यू गाइस कैन नोटिस कि मेरा जो गला है वो ख़राब है क्योंकि मुझे सर्दी लगी हुई है। सो ईद व्लॉग में आपको सब कुछ मतलब अच्छे से आपको पता चलेगा। सो ये जो मैं रेडी हो रही हूँ, ये सच्ची में ईद के दिन मतलब आज ही मैंने शूट किया है। तो सभी को ईद मुबारक मेरी तरफ से, और ईद व्लॉग बहुत जल्द आएगा। कल ही मैं ईद व्लॉग डालूँगी, सो मेक श्योर आप उसे ज़रूर चेक करें। आज बहुत गर्मी है इसलिए मैं अपने फेस को बेक कर रही हूँ। यह है फिटमी का कॉम्पैक्ट पाउडर, इट्स रियली गुड। सो आप लोगों ने ईद पर क्या किया है और कैसे अपना ईद मनाया, ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। आई वुड लव टू नो दैट। और मुझे भी तैयार होने का बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन फिर मुझे लगा कि चलो लेट्स गेट रेडी। ईद है, साल में सिर्फ एक ही बार आता है, सो लेट्स एंजॉय। नेक्स्ट मैं अपना नोज को कॉन्टूर कर रही हूँ इस कॉन्टूर पेंसिल से। इट्स टोटली ऑप्शनल, आप चाहे तो इस स्टेप को स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इससे पिक्चर्स में आपके नोज बहुत अच्छे दिखते हैं, दैट्स व्हाई मैं इसे करती हूँ। एंड उसके बाद मैंने अपने आईब्रोज को फिल इन किया है। फेवरेट आई शेडो पैलेट, हुडा ब्यूटी रोज गोल्ड पैलेट। तो मैंने इससे अपना जो आई लुक है वो क्रिएट किया है, एंड यू कैन सी कि शेड्स कितने पिगमेंटेड है। सो जो पिंक ग्लिटरी शेड है उसको मैंने ऑल ओवर आईलिड पर अप्लाई किया है एज अ ट्रांजिशन शेड। मैंने कोई ऐसा फैंसी आई लुक क्रिएट नहीं किया है, घर पर बैठे बोर ही हो रहे थे, सो उससे अच्छा लगा मुझे कि थोड़ा सा एक मेकअप लुक क्रिएट करते हैं, सिंपल सा, बिगिनर फ्रेंडली, और आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। एंड उसके बाद मैंने एक गोल्डन येलो कलर था तो उसे मैंने लिया है और सिर्फ अपने लिड पर उसे अप्लाई किया है, लेकिन अपने फिंगर से अप्लाई किया है क्योंकि उससे पिगमेंटेशन ज़्यादा मुझे मिल रहा था। और मैंने सिर्फ नीचे तक ही रखा है उसको, अपने ऑल ओवर लिड पर अप्लाई नहीं किया है। एंड उसे अप्लाई करने के बाद मैंने फिर से वो ग्लिटरी सा पिंक शेड लेकर अपने होल आई लिड पर एक फ्लफी ब्लेंडिंग ब्रश से इन सारे आई शेडोज को ब्लेंड किया है ताकि दोनों कलर्स अच्छे से मिक्स्ड हो जाए। तो ब्लेंडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद ना थोड़ा सा क्लिप डिलीट भी हो गया है, मैंने अपने इनर कॉर्नर्स पर इस गोल्डन शेड को अप्लाई किया है और लोअर लैश लाइन पर मैंने इसी सेम पिंक शेड को अप्लाई किया है। सो उसके बाद मैंने NYBA का जो कोल्ड स्टिक है, द बिग एप्पल ऑफ माई आई, इसे अप्लाई किया है। और मैंने अपने आउटर कॉर्नर्स पर थोड़ा सा मोटा करके अप्लाई किया है और इनर कॉर्नर्स पर मैंने अप्लाई नहीं किया है। उसके बाद मैंने मस्कारा अप्लाई किया है, वो क्लिप भी डिलीट हो चुका है, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। NYBA का ये शेड नंबर 1 है, ये न्यूड शेड है, तो इसको मैंने एज अ लिपस्टिक के तौर पर इस्तेमाल किया है। एंड या दैट्स माय फाइनल लुक, होप यू ऑल लव्ड दिस लुक। अगर लुक पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ईद मुबारक वंस अगेन, बाय बाय।